भागने के लिए मैं बाहर ऑफिस में जाता हूँ। तूने मेरे को प्रॉमिस किया था घर का रियल्टर मेरा मेरे को ही घर नहीं दिखा पा रहा है ये। तो मेरा भी आके मेरा आंख मेरे खुद के ऑफिस में नहीं है। अब मैडम को रियल्टर बनना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह मैं तैयार हो गया हूँ, निकल रहा हूँ अपनी मीटिंग के लिए और आज 9 बजे निकलूंगा गाइस और घर आऊंगा शाम को अराउंड 4, 4:30, 5 बजे। घड़ी पहनी जाए। मम्मा और कीरत बाहर पूरा फन पा रहे हैं। हेलो, ऑल द बेस्ट कह दो मुझे। गुड, या ऑल द बेस्ट कह दो। चलो बाय। स्मेलिंग ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। ना टंकी इतनी है ना ये। चल बाय, लव यू, बाय। ये देखो ड्रम, देखो। चल कल लेट हो जाऊंगा। ओ शिट बाबू, बहुत लंबी ड्राइव है। बाय जय। दोस्तों आज हम आ रहे हैं कॉन्कर्ड के सेल्स सेंटर। यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह है, यहाँ पे समझ रहे हैं इनके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, सो वो आपको भी बताऊंगा। होपफुली बढ़िया जाए दिन। साहब क्या प्रोजेक्ट था, मतलब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास तुम्हारा प्राइवेट बीच है भाई, थर्ड फ्लोर पे तुम ऊपर से देख रहे हो, मिट्टी में आ रहे हो, बैठ रहे हो मस्त, बिल्डिंग के अंदर ही तुम रनिंग के लिए जा रहे हो, क्या ही बात है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। अब एक है 2-3 घंटे की शोइंग्स है, उसके बाद आज की छुट्टी हो जाएगी और चलते हैं यार। ग्लेयर्स ना घर ही रहेगी, इतनी धूप आई हुई है समझ में नहीं आ रहा, आंखें भी नहीं खुल रही, ग्लेयर्स होनी। दोस्तों बढ़िया शोइंग होगी, पहला घर तो क्लाइंट को पसंद आ गया है, बट मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ, मैं कहना ये भी रुको, एक दो घर और देख लो, उसके बाद वी गना पुट एन ऑफर एंड देन वी गना डिसाइड। वैसे तो हमने काफी रिसर्च करी ली थी पहले ही, तो उनको पता है कि वो क्या लेना चाह रहे हैं, किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ये दोनों यंग लोग हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये अपने नहीं ले रहे। तो कई लोग होते हैं जो उनको पहले ही, जो मार्केट में होते हैं उनको पहले ही काफी पता होता है, सो उनमें से है। सो बढ़िया चल रहा है दिन, अब बस नेक्स्ट जाके दो घर दिखा के और आई थिंक 2.5-3 घंटे और लगेंगे, 2 बज गए अभी, 4:30-5 तक घर पहुंच जाएंगे हम मजे से। भाई साहब इतने बढ़िया बंदे से मिला हूँ ना मैं, इतने बढ़िया बंदे से, मतलब बढ़िया नॉट इन टर्म्स ऑफ कि भाई बंदा पैसे बहुत छाप रहा है, बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है, बढ़िया इन टर्म्स ऑफ कि लाइफ में यार लोग कितनी यंग एज में क्या क्या चीजें उखाड़ रहे हैं, उस वे में कि दे आर हसलिंग सो मच एंड समबडी हु इज जस्ट ऑलमोस्ट माय एज, हो सके मेरे से 2-4 साल बढ़ाओ, भाई इतना कुछ कर रहे हैं ना, मतलब हम चलो अलग कर रहे हैं, हम लाइफ में अलग कुछ और उखाड़ रहे हैं, बट फिर भी आपको इतने इंस्पायरिंग लोग मिलते हैं ना, मजा आ गया मिलके। इस इंसान से मैं इंप्रेस क्यों हुआ, लोग जनरली सोचते हैं कि अगर बहुत बड़ा काम करना है ना तो यार बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ठीक है। इस बंदे ने बेसिकली आप लगा लो नॉर्मल एक शोरूम से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये नहीं कि कुछ भाई ड्रामे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, मजा आ गया भाई। भगवान जी बहुत काम करना है, हे भगवान जी प्लीज जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं और हमें सबको आप बहुत सारा प्यार और ताकत देना, ताकि हम बहुत लाइफ में काम करें सारे मिलके, और जितने भी हेटर्स हैं, नॉटी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको थोड़ी सी बुद्धि देना, उनको थोड़ी समझ देना कि भाई दूसरे से चिढ़ते नहीं है, लाइफ में मेहनत करते हैं और काम करते हैं अपना अपना। अच्छा किसी का एक कमेंट भी आया था कि क्या बोलते हैं, फियांशु आपने सडनली इतना करियर स्विच कैसे कर लिया एकदम से। मेरे सडनली नहीं था, मैं पिछले 2-2.5 सालों से आई हैव बीन वर्किंग इन रियल इस्टेट, ठीक है, बट आई वॉज ऑलवेज ऑन द मार्केटिंग साइड ऑफ रियल इस्टेट, नॉट ऑन द ट्रांजेक्शनल साइड ऑफ रियल इस्टेट। सो जब मेरे गुरुजी जी ने मुझे बोला कि तू लाइसेंस लेके खत्म क्यों नहीं करता, ठीक है, तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया, मैं कहा चलो ठीक है फिर मैं लाइसेंस ले लेता हूँ, एंड वहां से चीजें चेंज हुई थी। तो आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग बट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट, एंड आई स्टिल वर्क विद अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स एज अ बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। सो लाइनें चेंज नहीं हुई, बस थोड़ा सा और घुसा हूं मैं इसके अंदर। पहले मैं बैकहेंड पे था, पहले हम लोगों की प्रमोशन करते थे और लोगों को बिजनेस क्रिएट करके देते थे, अब हम वही प्रमोशन अपने लिए कर रहे हैं और वो बिजनेस जो हम लोगों को देते थे उससे हम एक परसेंटेज लेते थे, वो सारा बिजनेस हम खुद कर रहे हैं।
तो मुझे एक मार्केट में एक स्कोप दिखा था, एक मेरे को दिखा कि यार आई कैन मेक मोर मनी फॉर माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए और मेहनत करूंगा अगर इस वे में डायरेक्टली करता हूँ तो मैं और कुछ कर सकता हूँ, बस इतना सही काम है। जैसे एक बड़ा सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बंदा होता है ठीक है, वो एक रेस्टोरेंट में शेफ होता है या वेटर होता है, कुछ भी लगा लो, फिर उसके बाद जब उसको इतने साल का एक्सपीरियंस आता है वो खुद बोलता है यार सब कुछ संभाल ही रहा हूं तो अपना ही ढाबा क्यों नहीं खोल लेते, अपना ही रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते, तो अपने ही रेस्टोरेंट खोल दिया। सो सिमिलर ऑफ दिस सॉर्ट कि जब मुझे था कि मैं इतने लोगों को मार्केट करने में हेल्प कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को रीच आउट करवा रहा हूँ, मैं इतनी ऐसी सर्विस दे रहा हूँ जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ ठीक है, क्यों ना खुद का कर लिया जाए। और वो चीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइसेंस की देरी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने टाइम से लगा हुआ था, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से प्लानिंग कर रहा था कि मैं चला जाऊंगा इसमें, मैं रियल्टर बन जाऊंगा, नहीं, इट वॉज नेवर अ प्लान, इट वॉज ऑलवेज लाइक अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहा हाँ तो ठीक तो लग रहा है, लॉजिकल सेंस तो लग ही रही है, तो ऐसे करके वी डिसाइडेड। सो या बट अब जब सामने कर रहा हूं तो मजे अलग आ रहे हैं, मजे अलग आ रहे हैं। तो मैं 9 बजे का निकला हूं, मैं 4:30 बजे घर आया, मेरी बीवी और मेरी मम्मा कह रहे वापस क्यों नहीं जाता तूने, जा घर से, कोई कहता है ऐसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा तो कह रहा है जा रहा हूँ वापस, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा मम्मी, वो सुबह का क्या, वो मम्मा कह रहे दोबारा निकल, नहीं, नहीं, नहीं जा घर बेच, नहीं, नहीं बिना सेल के वापस कैसे आए, खरीद लो, बहुत मारते हैं मुझे। बहुत मारते हाँ भाई हाँ, हेल्प करो, घर खरीदो, हमें खुश करो और खुद खुश रहो, खुद खुश रहो। तो मामा बहुत भूख लगी है, कल वाली अपनी पनीर की सब्जी दे दो। और दोस्तों इंस्पायरिंग स्टोरी बता दे प्लीज। कौन सी इंस्पायरिंग स्टोरी? तो तुझे कैसे पता लगी कि मैं कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बता रहा था ब्लॉग पे? फोन पे। फोन पे कब बात हुई हमारी? नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैंने तो व्लॉग में बोला था कि मैं एक इंस्पायरिंग बंदे से मिला, तेरे को कब पता लग गया? फोन पे बात कर रहा था अभी, तो फोन पे नहीं बोल रहा था, किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था मुझे तो पता, तू ऐसे जगह घूम के कुछ बात कर रहा था, जब आया था किससे बात कर रहा था? मुझे ये नहीं पता किससे बात कर रहा। अच्छा 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 अच्छा, कोई और सॉरी, अरे वो दूसरी जगह में मिलके आया हूँ, 3 गुना इंस्पायरिंग, फट से खड़ी हो जाएगी तू। मेरे दिमाग में आज सुबह मम्मा एक आइडिया आया, He is in love with the heated blanket. Not uncle है। एक नंबर का खा जाऊंगा तुझे मैं बैठ के। अरे सुनो, मैं एक जो आइडिया जो सोच रहा था सुबह शाम को, और मेरे को उस बंदे से नहीं मिलना था, मैंने बस गाड़ी मोड़ी, मेरे को कुछ दिखा, मैंने कहा चल मैं अंदर जाके मिल के आता हूँ, वो बंदा वो चीज कर रहा था डिफरेंट वे में, बट मेरा अब एक और विजन आ गया भाई, ये तो मुझे आने वाले टाइम में करना ही करना है, रिलेटेड टू साफ रियल एस्टेट, अभी नहीं बता सकता आपको, प्लीज जुड़े रहना, सपोर्ट करते रहना। और आइसक्रीम साथ में खा रही है, कोई कॉम्बिनेशन बना, कुरकुरे और आइसक्रीम, पागल है बहू आपकी, है हंस रही ऊपर से, कुकू भी हो जाता है, प्लीज प्लीज कुकू डोंट हैव आइसक्रीम नाउ लेटर ऑन। दोस्तों मैं भी कुल्फी खा रहा हूँ, मामा आपकी कुल्फी कहाँ है? मैंने लड्डू खाया। आप कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़े समय, मामा इधर आ जाओ चुपचाप, आ रही हूँ। मामा यार क्या देख लो, अभी लगी मूवी। दोस्तों हम देख रहे हैं बकिंगम मर्डर्स, कीरत बता रही है कि अच्छी है, तो कीरत की रिकमेंडेशन पे देख रहे हैं। फ्रेंड्स दिस गर्ल इज वेरी चलाक, दिस गर्ल इज वेरी चलाक। तूने मेरे को प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया? लेके देगा। मैंने कब मना किया कि नहीं लेके दे रहा? तो आज जाना था हमने, आज तेरे को पता, तेरा पति थका हुआ आया था, उसके बाद सो गया, थक गया, माफ कर दो माँ, पाइन एप्पल काट ले पति के लिए। टू मंथ्स नहीं है प्रॉमिस के हिसाब से, अभी 1.5 हफ्ता हुआ, और एक्चुअल प्रॉमिस के हिसाब से तो 26 तारीख की वो है, मैं तेरे को कहा था जो कमिंग क्लोजिंग है उस पे दिलाऊंगा तेरे को, वो क्लोजिंग है 26 तारीख की, बढ़िया ऐसे गिफ्ट होगा, वो गिफ्ट मिलेगा क्लोजिंग में, बढ़िया क्लोजिंग में पाइन एप्पल काट दे, आई विल अच्छा शाबाश, पाइनएप्पल मैं बनाएगा व्लॉग, पाइनएप्पल दुका मैं करेगा व्लॉग। अब हो गया तेरे को उसका टाइम निकल गया, चलो जाओ, या तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि व्लॉग अपलोड करेगी नहीं। फिर क्या है, इतने टाइम में मैं जो कर सकता हूँ वो करेगा, तो उतने टाइम में तो दो बार भी दबाता है फिर, चलो नहीं। मेरा खून पीना जरूरी नहीं है, भाग जाए यहाँ से, चिक्रकुंडी है तू, चिक्रकुंडी क्यों? तू अपने ऑफिस का काम पहले कर ले, ज्यादा नौटंकी कम ही किया कर, फ्रेश खा जाओ तुझे, मैं फ्रेश खा जाओ तुझे,
Guys, cute cuckoo is back after such a long time. I think after 1 year I am seeing this cuckoo. नौटंकी मत कर दोस्तों, मैं आपको एक सनसनीखेज खबर बताना चाहता हूँ। कोका मेरे पास कहती है, मुझे लग रहा है कि मैं मून ग्रुप से काम करना चाहती हूँ, सो कैन यू हायर मी। और इतना गंदा कहता। मुझे एक साल इससे मेरे से काम किए गाइस, उसने मेरी आंखें खोल दी है। सो कोका मैं नहीं कांच, मैं तू मान ले तेरा फ्यूचर मेरे साथ ही है। इस व्लॉग का नाम चल गया कीरत वांट्स टू क्विट हर जॉब। नहीं यार ऐसे मत कर यार, प्लीज नेवर चांस। आज नहीं तो कल, तेरा फ्यूचर मेरे साथ ही है। तेरा मेरे साथ है, पर हमारा पर्सनल रिश्ता साथ है, हमें दोबारा साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में फिर से काम करेंगे। मैं उस एक साल में मेरी इतनी ज्यादा आंखें खुल गई। इस बार मैं कमीशन पे काम करेगा ब्रो, कमीशन। इस बार अगर कीरत इफ आई डू द डील then I'll earn commission पे काम कर लीजिए। सुन मैं तेरे को बताता हूँ, वो तो रियल एस्टेट है। पहली बार तो सारी कमीशन पे, कोई गलत फहमी मत रखना। दूसरी बात, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, तू तो मार्केटिंग हुक के लिए भी कमीशन पे ही काम करती थी, क्योंकि घर पे जब पैसा आता था तभी मिलता था सबको। आई थिंक आई कैन डू बेटर इन रियल एस्टेट। तुझे पता है रियल एस्टेट मुझे कितनी पसंद है। मार्केटिंग इज ऑलवेज योर जॉनर। जो भी मैं काम करना चाहता हूँ इसको वो रियल एस्टेट इज माय लाइक पुश्तैनी लव। कभी आपने ये पूछा है कि कीरति जो आपका चैनल था जो YouTube पे कीरत गिल शर्मा वाला, मैं बिजी इतनी हूँ दोस्तों, इतनी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई हैव लाइक सो मच कंटेंट हियर, इट्स नॉट कमिंग आउट। आई एम नॉट एबल टू चैनलाइज माय कंटेंट। आप अपनी नौकरी पे ध्यान दो, आप इतने बढ़िया काम करते हो, आप बेस्ट हो, बेस्ट, बट आप चुपचाप नौकरी। मैं हूँ बेस्ट, आई नो, डन, बट आई कैन बी बेस्ट इन रियल एस्टेट आल्सो। बहु यू आर ऑलरेडी बेस्ट। हां जो कर ले अपनी टीम में, फिर अच्छा लगेगा। मैं कोई और मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो दो तीन कोई और टीम ज्वाइन कर लूँगा। मेरे को आती है कभी कभी, क्योंकि जस्ट अब मैडम को अलग से शौक चढ़ा हुआ है, तो ये मेरे को आएगी रात को, कही ये घर इतने का है, ये घर इतने का है, तो मैं तो इसको बोलता हूँ डिटेल्स कौन बताता है। मैं इसको बोलता हूँ, मैं कहा भाई तो टाइम निकाल, एक अच्छा सा रियल्टर ढूंढ ले जो तेरे को अच्छा सा घर ले दे। पास मेरे को ऊपर हाउस दिखाने का टाइम नहीं है। नहीं नहीं भाई, आई वर्क विद सीरियस बायर्स ओनली। बट इतना मेरे को हंसी आ रही है। तो गर्ल तो गाइस ये क्या मतलब बना, मतलब घर का रियल्टर मेरा, मेरे को ही घर नहीं दिखा पा रहा है ये। हां आई वर्क विद सीरियस बायर्स, हैव यू शोन प्रूफ ऑफ फंड्स? मैं ले आऊंगी वो प्रूफ ऑफ फंड्स, मैं ये इकट्ठे कर रहा हूं। इसके बाद कुका सुन मित्र, तेरा क्या सपना, तूने मुझे बता दिया ना। हाँ, डोंट रिवील। हाँ, मैं नहीं रिवील, वो सपना पूरा हो जाएगा। बट हमारा फ्यूचर साथ में है, वर्क वाइज भी कोई कट नहीं है। मैं इसके ऑफिस गया था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ नहीं बुलाया मैंने तेरे को। मैं बता देती हूँ, तो मेरे ऑफिस किस हिसाब से आती है? हाँ कैमरा उधर, तो मेरा भी हक है, मेरा हक मेरे खुद के ऑफिस में नहीं है। मैं ये अपनी बहू को समझाओ, अब मैडम को रियल्टर बनना है। मेरे को तेरी टीम ज्वाइन करनी है। करना क्या है, जस्ट बिकॉज ये देखती है कि हम काम हंसी मजाक में कर लेते हैं, इसको लगता है ये तो फन हो रहा है लाइफ में। हंसी मजाक तो मैं भी कर लेगा तेरे साथ। नहीं तेरे साथ हंसी मजाक, तेरे से भागने के लिए मैं बाहर ऑफिस में जाता हूँ। मैं भी तेरे से भागने के लिए जाता हूँ, फिर ये बता दू तो अच्छी बात है ना, वी आर ऑन द सेम पेज। ये तो भारी पड़ गया, फ्यूचर हमारा साथ में है। मैं कह रहा हूँ हमारा फ्यूचर साथ है, कौन मना कर रहा है? काम के वाइज भी नहीं। वो एक साल इससे मेरी बहुत आगे खुली, कहती रियल एस्टेट इज माय लव, कहती वो पहले मून ग्रुप का ना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, तो मेरे पे स्ट्रेस होता था। ठीक है, नहीं क्या मेरे को नॉलेज किस चीज की? रियल एस्टेट की। मैं कह रहा हूँ एक अच्छा सा रियल्टर, मेरे को यही बोलता रहता, एक अच्छा सा रियल्टर ढूंढ, एक अच्छा सा रियल्टर ढूंढ, एक अच्छी सी ब्रोकरेज ढूंढ, एक अच्छी सी टीम ढूंढ, ज्वाइन देम, जा डबल डबल एजेंट प्ले कर, ऐसे किसी और की टीम बनाए, मुझे सीक्रेट्स लगे दे, वी आर स्पाई। ये जाकर ऐसी बेड़ा कर देती। सीरियस है? और नहीं तो क्या, क्यों नहीं सीरियस? अब कुका दी को रियल्टर बनना है, मेरे को तो पता ही क्या मैं कर सकती हूँ। मम्मा एनी थिंग कैन आई डू, मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, कल को अगर मैंने कबाड़ी की दुकान भी खोल ली ना, ये प्लास्टिक लेके बैठ जाएगी अपन साथ चले, अपन चलेंगे पुत्र, दोनों जाने ऑफिस, अपने ऑफिस ऑल पेट्स अलाउड है।
That's true love. That my wife always supports me. Mama serious okay भाई. मैंने जोक मारे मम्मा कीरत का स्टैंड ले रहे हैं. मम्मा पता नहीं कुछ देख रहे दोस्तों. हाँ ये तो बढ़िया बात है आपकी बहू की. ट्रू लव है. कैसे अच्छा अगर हम कबाड़ी की दुकान खोलेंगे तो कैसे बैठेगी कीरत? कहूंगी आई कैन डू दिस आल्सो. मैं बहुत बढ़िया क्लीन अप करती हूँ. मैं इतना बड़ी ऑर्गेनाइज करूंगी. ये कबाड़ इधर जाने चाहिए, वो कबाड़ इधर जाने चाहिए, ऐसी क्रिएशन करूंगी सबको. मैं जनरली बताता जब मम्मा आ रहे थे ना तो मम्मा भी ऐसे थे तो मैं भी दरअसल फिर ओपन हाउस चला करूंगी. हम साथ कर दिखाएंगे भाई. इतने हमने प्लान बनाए थे कि जब ये रिएक्टर बनेगा ये करेंगे वो करेंगे. एक घर तक नहीं मेरे को दिखा पा रहे. तुझे देखना क्यों है घर? मुझे देखना. वो देखेंगे जो हमने लेना. हाँ वो मम्मा देखेंगे लेंगे. उसके लिए लेने के लिए एक चीज होती है. आ जाएगी वो भी बियाना. दैट इज माय इकट्ठा. बियाना तो हो चुका है. अब मैं डाउन पेमेंट इकट्ठी कर रहा हूँ. आएगा आएगा. पापा देख पुत्र मैं चिकू को ले दू. मेरी जान है, मेरी जान. तो डिनर रेडी है. आज मैंने बनाया है खिचड़ी. थैंक यू वेरी मच. खा के बताइए कैसी लगी. टेस्ट अच्छी है. मैंने नमक शमक ज्यादा कुछ नहीं रखा. ठीक है ना? परफेक्ट. लड्डू. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. दोस्तों खाई डिनर. दोस्तों मम्मा ने दूसरी बार लिया है इसका मतलब मम्मा को अच्छी लगी. अच्छी लगी. मैंने भी चकाचक कर दिया. दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं गुड नाइट. बाय बाय. रात के बज रहे हैं 12:35 AM. मिलते हैं आपको कल. बाय.